भी वीजे पे यूएई के अंदर दुबई एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट, अबूधाबी एयरपोर्ट पे आ रहा है, कान खोल के ये कुछ बातें बताने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। बाद में ये ना कहिएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहीर अख्तर, आज एक नई खबर के साथ। स्पेशली मेरे वो भाई दोस्त जिनको बताते जाऊं कि वीजे के हवाले से पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन लोग इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। वीजा तो निकल है, मैक्सिमम लोगों की शारजा से इश्यू हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत कम रिजेक्शन आ रही है। जितने भी अभी तक मैंने अप्लाई किए हैं ये इस 2 वीक के अंदर, वीजा थोड़ा लेट आ रहा है, तकरीबन 5 to 10 working day लग लेंगे, मेरे रिजेक्शन कम आ। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं, आप आ रहे हैं मिनिमम आपकी पॉकेट के अंदर 5,000 दरम शो मनी का होना चाहिए। अभी बहुत से लोग कमेंट करेंगे मैं तो आ गया था, कुछ ही नहीं हुआ। और मेरे भाई आप आ गए थे ना, नहीं चेक हुआ। एयरपोर्ट वालों की मर्जी, यूएई एयरपोर्ट और पाकिस्तानी एयरपोर्ट वो आपसे चेक करें या ना करें, लेकिन आपकी पॉकेट के अंदर 5,000 दरम शो मनी का होना जरूरी है, होटल की बुकिंग का होना जरूरी है, ट्रेवल इंश्योरेंस का होना जरूरी है, रिटर्न टिकट का याद रखिएगा, बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अगर आपके पास पाकिस्तान से आते हुए रिटर्न टिकट नहीं है, मैंने खुद अपने वहां पे आंखों से देखा है। एक तो वहां पे पहली बात है कि आपकी उन्होंने बोर्डिंग नहीं करनी का, बोर्डिंग हो भी जाती है और यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद चेकिंग करते हैं, रिटर्न टिकट नहीं निकलती है। आप पे कितना फैन है आपको पता है, कितना फैन है, पूरा 10,000 दरम का जुर्माना लागू होगा। कितना? 10,000 दरम। ये वहां पे उन्होंने मुझे तो पाकिस्तान लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ छुट्टी पे, वापसी आ रहा था, तो मैंने खुद सुना भी है और वो काउंटर वालों ने बताया भी है कि किसी के वीजे वाले के पास रिटर्न टिकट नहीं होती है, वहां पे वो पकड़ाया जाता है, तो उस पर इतना फैन लग सकता है। ये इंफॉर्मेशन थी। मजीद अगर आप वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन, सही है, हमारा काम अच्छे से अप्लाई करना, बाकी ये याद रखिएगा इमिग्रेशन का काम है अप्रूव करना, हमारा काम अप्रूवल देना नहीं है। ये नंबर मैंने दे दिया है भाई का, इनसे रब्ता कर लीजिएगा, वीजे के हवाले से ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, सही है, और आपका वीजा अप्लाई करेंगे। पेमेंट का जो टर्म कंडीशन है, हमारा ऑफिस है दुबई में, वहां पे दे सकते हैं या पेमेंट ऑनलाइन दे सकते हैं। एक बार ये लगिएगा ट्रस्ट की करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि काम आपका हो रहा है। अल्लाह ना करे अगर आपका वीजा रिजेक्शन होती है, तो उस कंडीशन में आपको एप्लीकेशन वापस दी जाएगी, यानी कि उसका प्रूफ दिया जाएगा पूरा। अगर जब वीजा अप्लाई किया जाएगा तो विद इन 24 to 48 आवर के अंदर जो एप्लीकेशन का नंबर भी है ना, ट्रैकिंग नंबर, वो भी कोशिश किया जाएगा तो आपको दिया जाए, ताकि आपको ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकेंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए है। बाकी वीजा अप्लाई इंशाल्लाह हम अच्छे तरह से करेंगे, जो रिक्वायरमेंट आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर दीजिएगा, हम अप्लाई करने की उम्मीद अल्लाह की जात पर रखेंगे, इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।